वज़ीराला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चौहंग में लेडी कांस्टेबल की पासिंग आउट की तकरीब से खिताब। पास आउट परेड में शामिल लेडी पुलिस बहुत अलर्ट हैं, खुशी है कि पाकिस्तान के पास इतना ज़्यादा टैलेंट है। आईजी पंजाब को हिदायत की है कि 7000 खवातीन पुलिस अहलकार कम हैं, उनकी तादाद में इजाफा किया जाए। वक्त आएगा कि जब लेडी पुलिस की तादाद 50% से तजावीज़ कर जाएगी। खवातीन बहुत मेहनती हैं, सुपर ह्यूमन की तरह काम करती हैं, माएँ भी, बेटियाँ भी, बहनें और प्रोफेशनल भी हैं। कराची शाहराह फैसल नाथा खान पुल के करीब पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी। जख्मी होने वाले डाकू को चीपा एम्बुलेंस के जरिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जख्मी होने वाले डाकू की शनाख्त रेहान वल्द फजल हादी, उम्र 30 साल। बलोचिस्तान से गिरफ्तार अफगान दहशतगर्द का वीडियो बयान। गिरफ्तार दहशतगर्द हबीबुल्ला उर्फ खालिद वल्द खान मोहम्मद अफगानिस्तान के इलाके सपन बोलदक का रिहायशी है। गिरफ्तार अफगान दहशतगर्द ने एतराफी बयान में पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का एतराफ़ भी किया। बलूचिस्तान के इलाके पशियन में हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान से की गई। गिरफ्तार अफगान दहशतगर्द, हमले के लिए हमारे दो बंदों को रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड और असलहा फराहम किया गया। हमें अफगानिस्तान के बॉर्डर तक अफगान तालिबान ने मुकम्मल मदद फराहम की। कराची मलीर स्टील टाउन में गैस बंदिश का मामला है। स्टील टाउन के रिहायशियों ने नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया। स्टील टाउन के रिहायशियों का गैस बंदिश और गैरकानूनी तैनात इंतजामिया के खिलाफ नेशनल हाईवे पर एहतजाजी धरना। एहतजाजी धरने में खवातीन व बच्चों की बड़ी तादाद भी शरीक। अंदरून मुल्क आने जाने वाली कौमी शाहरा में गाड़ियों, बसों, ट्रकों की तवील लाइनें लग गईं। मुजाहरीन की हुकूमत और गैरकानूनी तैनात इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। शेरशाह पुलिस के बरवक्त रिस्पांस के सबब डकैती की वारदात नाकाम। मुसल्ला स्ट्रीट क्रिमिनल मौके वारदात से रंगे हाथों गिरफ्तार। एसएसपी किमाड़ी कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली। गिरफ्तार मुलजिम शेरशाह अकबर रोड पर राहगीर को लूट रहा था। इलाका पुलिस ने बरवक्त मौके पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम बनाम आसिफ खान के कब्जे से गैरकानूनी पिस्तौल बीमा एमुनेशन बरामद कर लिया गया।